बोकारो में दो शिक्षकों ने मिलकर बंजर भूमि में ड्रैगन फूल की खेती शुरू की। 14 महीने में इन पौधों में फल आ गया है। लॉकडाउन के दौरान पीएम के मन की बात से प्रेरणा लेकर दो सरकारी शिक्षकों ने पेटरवार प्रखंड के चंदो गांव के पथरीली बंजर भूमि में शुरू की है ड्रैगन फ्रूट की खेती। दोनों शिक्षकों ने पथरीली जमीन में एक एकड़ में ड्रैगन फ्रूट के 2000 पेड़ लगाए। इसमें इनको खर्च 8 लाख का आया है और अब 14 महीने में पेड़ फल देना शुरू कर दिया है। इन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट के पौधे को हैदराबाद से मंगाया गया था। इस पेड़ को लगाने के लिए सीमेंट का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इसके बाद 500 सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाकर उसे लगाया गया। एक एकड़ में लगाते हुए एक स्ट्रक्चर में 4 पेड़ को लगाने का काम किया गया। 14 महीने बाद इसमें फल आने लगा है और इसकी बिक्री भी इन लोगों ने शुरू कर दी है। चूँकि यहाँ वार्षिक खेती सिर्फ धान की ही होती है और सब्जी की ही होती है, जिससे लोगों की आमदनी कम है, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ हट के समाज में कुछ अलग किया जाए। तो प्रधानमंत्री के मन की बात से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रधानमंत्री के मन की बात में क्या सुने थे? सुने थे कि ड्रैगन फ्रूट आजकल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद खेती है और इसका एक बार लगाने के बाद करीब 20 साल तक फिर उसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है और बाज़ार में इसका बहुत डिमांड है। इसलिए यार थोड़ा हम लोग ये कृषि जो है इससे हट करके हम लोग कुछ नया करते हैं। आपके पास कहीं ज़मीन है तो देखिए ना। तो हम बोले हाँ हमारे पास है, चलिए दिखाते हैं। तो हम लोग साथ में आए और देखे ज़मीन भी ठीक है, चलेगा, इसमें हम लोग इसको करते हैं। तो यही जो है इसी से प्रेरणा लेकर के हम भी इसी में लग गए। दोनों मिल करके हम लोग ये खेती शुरू कर दिए। ये ज़मीन पूरा झाड़ी से भरा हुआ था, यहाँ पलाश और पटुस का ही झाड़ी था। हम लोग जेसीबी से साफ कराए, खूब बढ़िया से उसको ट्रैक्टर से जोतवाए 2-3 बार, तब मेरा ज़मीन तैयार हुआ और जेसीबी से ही ये गड्ढा उड्ढा सब खोद खुदवाए और ज़मीन तैयार होकर के पोल तैयार करके हम लोग ये काम शुरू कर दिए। फल आ गया? फल ये पहली बार आ गया है। हम लोग तो पिछला 21 फरवरी 2021 से ही शुरू किए हैं और ये अभी तक देखिए नया फल आ गया। हमारा मई से ही फूल देना शुरू कर दिया, अभी हमारा जुलाई चल रहा है, अभी तो फल पकना भी शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगा, इस तरह से फ्रूट को लगे हुए कभी देखा नहीं था, देखा पहली बार और टेस्ट भी किया। इसके बारे में बहुत सुना था और खाया, बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहूँगी कि मार्केट में ये फ्रूट आना चाहिए और लोगों को खाकर देखना चाहिए। बोकारो में दो शिक्षकों ने मिलकर बंजर भूमि में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। 14 महीने में इन पौधों में फल आ गया है। लॉकडाउन के दौरान पीएम के मन की बात से प्रेरणा लेकर दो सरकारी शिक्षकों ने पेटरवार प्रखंड के चंदो गांव के पथरीली बंजर भूमि में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। दोनों शिक्षकों ने पथरीली जमीन में एक एकड़ में ड्रैगन फ्रूट के 2000 पेड़ लगाए। इसमें इनको खर्च 8 लाख के आसपास लगा और 14 महीने में पेड़ फल देना शुरू कर दिया है। इन्होंने बताया कि ड्रैगन फ्रूट के पौधे को हैदराबाद से मंगाया गया था। इस पेड़ को लगाने के लिए सीमेंट का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसके बाद 500 सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाकर उसे लगाया गया। एक एकड़ में लगाते हुए एक स्ट्रक्चर में 4 पेड़ को लगाने का काम किया गया। वही आज 14 महीने बाद इसमें फल आने लगा है और इसकी बिक्री भी इन लोगों ने शुरू कर दी है।